25 जनवरी से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, पारे गिरने से बढ़ेगी गलन, छाया रहेगा घना कोहरा। एक दो दिनों में जम्मू कश्मीर सीमा के करीब पहुंचने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी इलाकों के मौसम पर पड़ेगा। इससे मखमली कालीन नगरी भदोही समेत पूर्वांचल के कई जिलों में ठंडी एक बार फिर कपकपी छोड़ाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 25 जनवरी तक उत्तर भारत में इसका असर दिखेगा। इससे पहाड़ों पर बारिश और हिमपात होगा, जिसके असर से भदोही जिले के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आएगी। लगभग 10 दिनों तक हड्डियां हिलाने वाले के बाद बृहस्पतिवार को निकली धूप से सामान्य जनजीवन को भारी राहत मिली। गलन और कोहरे से परेशान लोग गुनगुनी धूप लेने के लिए छतों पर टहलते नजर आए, मगर बृहस्पतिवार को जारी मौसम विभाग की चेतावनी ने इस राहत पर जल्द ही फिर ग्रहण लगता दिख रहा है। पिछले दिनों उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद लगातार चली बर्फीली हवाओं ने जिले को प्रभावित किया। इससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। हवा में मौजूद नमी के कारण अत्यधिक कोहरे की स्थिति देखी गई। हालांकि 21 जनवरी तक कोहरे की स्थिति सामान्य रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक SN पांडे ने बताया कि एक सक्रिय पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। यह 22 जनवरी को जम्मू कश्मीर के करीब पहुंच जाएगा। इसका प्रभाव 24 से 25 जनवरी तक उत्तर भारत में दिखाई देगा और मैदानी इलाकों में एक सर्कुलेशन बनेगा, जिससे पहाड़ों पर फिर से व्यापक बारिश और हिमपात की संभावना है। इसका प्रभाव भदोही जिले में तापमान में गिरावट के रूप में देखा जाएगा। आने वाले सप्ताह में अधिकतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।